हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए बहुत ही खास रेसिपी। तो थंडाई पाउडर आज हम बनाएंगे और इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि जो भी रेसिपीज मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। गर्मियों से राहत दिलाने के साथ साथ ठंडाई बच्चों के ब्रेन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है, साथ साथ एसिडिटी में भी राहत दिलाती है। तो चलिए देखते हैं इस हेल्दी कोल्ड ड्रिंक की ठंडाई प्रीमिक्स को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। पारंपरिक कोल्ड ड्रिंक की ठंडाई पाउडर बनाने के लिए यहाँ पर हमने मिश्री ली है। मिश्री की जगह चाहे तो आप अपनी रेगुलर चीनी का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जो मिश्री होती है वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है ठंडाई में। यहाँ पर हमने कुछ काजू लिए हैं, करीबन 15 से 20 पीस। 10-12 पीस हमने अखरोट लिए हैं। 20-25 पीस हमने यहाँ पर लिए हैं बादाम। 1/2 टेबल स्पून हमने सौंफ ली है। 1/2 टेबल स्पून खसखस यानी कि पोसत। 1/2 टेबल स्पून हमने मगज भी लिया है। 5-6 इलायची ली है और 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च लिया है और कुछ थ्रेड्स इसमें से यूज करेंगे केसर के। तो अब हम सबसे पहले जो बादाम, काजू और अखरोट, मगज भी और पॉपी सीड्स, इन 5 चीजों को हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो गैस को मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ और इसे हमें जस्ट गरम करना है। रोस्ट मतलब एकदम रोस्ट नहीं करेंगे, इसमें जो मॉइस्चर होता है वो हल्का सा खत्म हो जाए तब तक ही हम इसे रोस्ट करेंगे। तो मैंने बादाम डाल दिए हैं और अब हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं और फ्लेम को हमें सिम करना है। हाई फ्लेम पर हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे। अब इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे काजू। इन सब चीजों को हम इसलिए रोस्ट कर रहे हैं ताकि इसमें जो नमी है वो निकल जाए और जब हम इस ठंडाई पाउडर को स्टोर करके रखते हैं तो ये खराब नहीं होती। कम से कम 1 महीने तक भी हम इसे चला सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इसे मत चलाइए। 1 महीने तक का पाउडर आप बनाकर रखिए और अगर आप चाहें तो बाद में फिर से इसे बनाकर रख सकते हैं। इसे भी निकाल लेंगे और अब जो अखरोट है उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं मगज भी। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसी गरम पैन में इसे इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं और अब इसे निकाल लेंगे। और अब इसी गरम पैन में हम गैस को मैंने बंद कर दिया है, इसमें ऐड करेंगे पॉपी सीड्स और जस्ट 1-2 बार इसे ऐसे ही चलाएंगे और बस इसे निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसे भूनना नहीं है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में। तो ये जो भुनी हुई चीजें हैं इसमें हमने सौंफ को भुना नहीं है, इसे मैंने धूप में रख दिया था 4 से 5 घंटों के लिए क्योंकि अगर हम सौंफ को भुनेंगे तो इसका टेस्ट जो है कम हो जाता है, ठंडाई में अच्छा टेस्ट नहीं आता भुनी हुई सौंफ का। तो ऐसे ही इसे डाल देंगे और जो काली मिर्च और इलायची है उसे भी ऐड करते हैं। अब इन सभी चीजों को मिक्सी जार में निकाल लेते हैं और इसका अब मैं पाउडर बना लेती हूँ। तो देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है और इसे निकाल लेती हूँ और इसी में अब हमको जो चीनी है उसे भी ग्राइंड करना है। तो अब इसमें ऐड करती हूँ चीनी और इसे भी ग्राइंड कर लूंगी।
चीनी को भी हमने ग्राइंड कर लिया है और अब ये जो पाउडर हमने पहले ग्राइंड की थी उसमें एक बार फिर से मिक्सी जार में डाल देती हूँ और जस्ट एक बार मैं इसे चर्न करूंगी ताकि सभी इंग्रेडिएंट जो है अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सैफ्रॉन। सैफ्रॉन गरम तासीर की होती है तो इसलिए हम बिल्कुल कुछ थ्रेड्स इसमें मिक्सअप करेंगे जस्ट फ्लेवर के लिए। और अब इसे ग्राइंड करती हूँ। तो अब हमने सभी चीजों को अच्छे से ग्राइंड किया है और इसे छानने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं कि इसमें अगर कुछ टुकड़े रह गए हों ड्राई फ्रूट्स के तो बाद में उसे ग्राइंड कर सके, लेकिन मैंने एकदम फाइन इसका पाउडर बना लिया है तो छानने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसकी थंडाई बनाने के लिए एक बाउल में हम 6 चम्मच थंडाई पाउडर निकालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो अब मैं इसे ऐसे ही फ्रीज में रख देती हूँ 1 घंटे के लिए और उसके बाद में हम इसकी थंडाई बनाएंगे। हमने जो थंडाई पानी में भिगोकर फ्रीज में रख दी थी इसे 1 घंटा हो गया है और अब हम इसकी थंडाई बनाएंगे। तो चिल्ड मिल्क लिया है मैंने फ्रीज में रखा हुआ ठंडा मिल्क, इसे जार में ऐड कर देते हैं और इसी में डाल देंगे जो थंडाई हमने भिगोकर रखी हुई थी उसे। और अब हम इसे थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज फ्लेवर वाली आइसक्रीम, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसमें आइसक्रीम ऐड नहीं करना चाहते तो इसे ऐसे भी पी सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे एक सर्विंग बाउल ग्लास में। और अब फिर से मैं थोड़ी सी आइसक्रीम ऊपर से भी इसमें ऐड करूंगी। और अब हमारी जो ठंडाई है पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो स्पेशली गर्मियों के दिनों में तैयार किए जाने वाली इस ठंडाई की रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट करिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।